सब्सक्राइब कीजिए महेश सोलंकी चैनल को और याद रहे बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अकाउंट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नंबर 5। तो अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और इनकम फ्रॉम सैलरी के बाकी सब वीडियो देख सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो देखते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो प्रोविडेंट फंड हमारा एम्प्लॉई का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ उसकी सैलरी में से कुछ कट करके एक तरफ हम लोग एज अ फंड जमा करते हैं। तो इसमें एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉई अपने सैलरी में से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, प्लस एम्प्लॉयर अपने सैलरी में से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड कब मिलेगा सर? तो ये प्रोविडेंट फंड या तो फिर रिटायरमेंट में मिलता है या फिर डेथ हो गई तो मिलता है प्रोविडेंट फंड। तो अगर ये लमसम रिसीव्ड हुआ तो सर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, तो देखते हैं ना। तो इसका ट्रीटमेंट ये वाले टेबल के हिसाब से होगा, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग कुछ रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क नंबर 1, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टमेंट फॉर एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इज इनकम फॉर एम्प्लॉई। इनकम एम्प्लॉई की क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। तो ये टेबल है हमारा, ठीक है। तो टैक्स का ट्रीटमेंट देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड में किस तरीके से होगा। तो प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट सर, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोविडेंट फंड है। तो 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड है फिलहाल मेरे पास। स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1928। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो इस अलग अलग तरीके से अगर हमारा प्रोविडेंट फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो अगर स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किया है तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और इसका डिडक्शन कहां मिल जाएगा, ATC में। अगर रिकॉग्नाइज में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो इग्नोर करेंगे और कहां हम लोग इसका डिडक्शन ले लेंगे, ATC में। बट अगर अनरिकॉग्नाइज होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अगर स्टेट्यूटरी में होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में होगा तो एग्जेम्प्ट अप टू 12%। कितने परसेंट तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 12%। और अनरिकॉग्नाइज में किया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो स्टेट्यूटरी अगर प्रोविडेंट फंड है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसका 9.5% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, अगर अनरिकॉग्नाइज होगा तो ये क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट ये जो भी प्रोविडेंट फंड है, लमसम अमाउंट रिसीव, लमसम अगर अमाउंट मिला तो स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा फ्रेंड, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 12। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट टैक्सेबल बट डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। तो ये हो गया हमारा टैक्स ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड है और जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, इंटरेस्ट कब क्रेडिट होगा, वो जो भी उसका टैक्स ट्रीटमेंट है फ्रेंड, ये टेबल में हम लोग को दिया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगर लमसम अमाउंट मिला, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर मुझे कुछ अमाउंट मिलता है लमसम, तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, तो एम्प्लॉईज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इग्नोर। बट एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर इसका जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम
सैलरी, और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे, ये दोनों क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी. नेक्स्ट, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, अगर आफ्टर 5 ईयर्स मुझे प्रोविडेंट फंड मिलता है तो ये फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट विद इन 5 ईयर्स मिलता है तो हम लोग देखेंगे कि जेन्युइन रीजन है, अगर यस जेन्युइन रीजन है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर जेन्युइन रीजन नहीं है अदरवाइज है तो ये फुल्ली क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोग ने देखा सिर्फ प्रोविडेंट फंड. फ्रेंड्स याद रहे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम सैलरी में एक वाला पॉइंट प्रोविडेंट फंड पे आता ही है. ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.